Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of Unit 2 of 11th Chemistry, that is Structure of Atom. तो आज हम Structure of Atom का 11th part पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बोर्स मॉडल जो है हाइड्रोजन आटम का उसके बारे में बात करेंगे. So start करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. So Niels Bohr in 1913 was the first to explain quantitatively the general features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. तो हुआ क्या, नील्स बोर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव तरीके से जो जनरल फीचर्स हैं हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसे एक्सप्लेन किया था. ही यूज प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. उन्होंने जो प्लैंक का कंसेप्ट था एनर्जी क्वांटाइजेशन का उसे यूज़ करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट किया था. Though the theory is not the modern quantum mechanics, it can still be used to rationalize many points in the atomic structure and spectra. अब ये जो theory है हालांकि modern quantum mechanics की नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसे आज भी use करते हैं बहुत सारे atomic structure और spectra के जो points हैं उन्हें rationalize करने के लिए. अब जो बोर्स मॉडल है हाइड्रोजन एटम का वो कौन कौन से postulates पे कौन कौन सी theories पे किस किस basis पे based है वो पढ़ते हैं. तो सबसे पहला बेसिस ये है द इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी. तो जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर सकता है एक गोल गोल चक्कर में, एक सर्कुलर पाथ में, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस और एनर्जी है वो फिक्स है. इन पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स आम भाषा में अगर हम बात करें तो. और इनके दो नाम और हैं, स्टेशनरी स्टेट या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट. Then these orbits are arranged concentrically around the nucleus. अब ये जो हमारी orbits होती हैं ये हमारे nucleus के around concentric तरीके से arranged रहती हैं इस तरह से. Okay. Then second point क्या था, the energy of an electron in the orbit does not change with time. तो इसमें ये लिखा गया कि जो energy है electron की orbit में वो time के साथ change नहीं होती. However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. लेकिन ये चीज़ होगी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो इसका मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है. लेकिन जो एनर्जी चेंज है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता है. ओके. देन थर्ड जो चीज़ थी वो थी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय. तो ये है जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन एब्जॉर्ब होने की या एमिट होने की जब ट्रांजिशन हो रहा है दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में, तो उनकी जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कैसे पता करेंगे. तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमारा इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं हम. ये फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी डिफरेंस है बाय h इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 बाय h. अब E1 और E2 क्या है, एनर्जीज है. E1 जो है वो लोअर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है और E2 जो है वो हायर अलाउड एनर्जी स्टेट्स की है. अब ये एक्सप्रेशन जो है हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं. और h का मतलब तो हमें पता ही है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है h. Okay, then the last point was the angular momentum of an electron is quantized. तो इसमें बोला गया कि जो angular momentum है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो quantized होता है. तो अगर कोई भी एक stationary state होगी तो उसको हम किस तरह से express करेंगे, MEVR is equals to N into H by 2 pi. N जो है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. ME क्या है, mass of electron. V जो है वो है वेलोसिटी, और R जो है वो रेडियस है उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. तो इसके थ्रू हम जो एंगुलर मोमेंटम है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. वैसे जो लीनियर मोमेंटम होता है हमें पता है कि वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जबकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का. ओके. अब I जो होता है वो होता है MER² यानी कि ये, और जो ओमेगा होता है वो होता है V बाय R. तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो MER² इंटू V बाय R करेंगे तो R से एक R कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, MERV, और यही हमने यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स थे जिनके बेसिस पे हमारा बोर्स मॉडल जो था हाइड्रोजन एटम का वो बेस्ड था। सो नाउ क्या हो गया, अब दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो गया। Now radiation is emitted or absorbed only when transition of electron takes place from one quantized value of angular momentum to another. अब रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एक क्वांटाइज्ड वैल्यू से दूसरी क्वांटाइज्ड वैल्यू में एंगुलर मोमेंटम की। देयरफॉर जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, इसी वजह से कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही अलाउड रहती हैं हमारी। ओके, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है हमारी कि जो बोर्स थ्योरी थी वो आखिर थी क्या। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी देयर वर सम पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रीड। सो फर्स्ट इज द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n, दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो स्टेशनरी स्टेट्स जो थी इलेक्ट्रॉन के लिए उनको हमने एक नंबरिंग दे रखी थी n के नाम से। अब ये n जो है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता था, और ये जो इंटीग्रल नंबर्स हैं हमारे इनको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द रेडाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज। अब जो रेडियस थी स्टेशनरी स्टेट्स की उनको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते थे हम, उसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Rn = n²a0। ए नॉट क्या है, 52.9 पिकोमीटर्स थी, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखी थी हमने। तो जो रेडियस है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की जिसको हम बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं वो कितनी हो गई, 52.9, क्योंकि n 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इंटू 52.9 पिकोमीटर। तो पहली स्टेशनरी स्टेट जो है उसकी रेडियस कितनी हो गई, 52.9 पिकोमीटर्स। नाउ नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है और मोस्ट कॉमनली वो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का वो इसी ऑर्बिट में मिलता है हमें, यानी कि n = 1 में, जिसको हम बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं। अब जैसे जैसे n इंक्रीज होगा r की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड थी उसके साथ वो थी उसकी एनर्जी, जो कि स्टेशनरी स्टेट में होती थी। अब इस एनर्जी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, En = -RH 1/n², जहाँ पे n जो है वापस से 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। RH जो है वो हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 2.18 × 10⁻¹⁰ जूल्स। तो अब अगर हम देखें जो लोएस्ट स्टेट है हमारी, यानी कि ग्राउंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि n = 1 जिसमें होगा, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, -2.8 × 10⁻¹⁰ जूल्स। यहाँ पे माइनस का साइन है और n² 1² ही होगा। देन द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट फॉर n = 2 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे 1/2² लगा देंगे, यानी कि 1/4। तो 1/4 यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.545 × 10⁻¹⁰ जूल्स। ठीक है, ये सब चीज़ हो जाएगी। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन एज 0। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी को हम क्या लेंगे, 0। द एनर्जी इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = infinity एंड इज कॉल्ड एज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रॉन जो है उसको किससे एसोसिएट करेंगे, n = infinity से एसोसिएट करेंगे उसे, क्योंकि बहुत दूर चला गया है कि न्यूक्लियस का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, और उसको हम बोलेंगे आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट n द एनर्जी इज एमिटेड एंड द एनर्जी इज लोअर। अब क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है और एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कोई भी ऑर्बिट में, n ले लिया हमने, तो एनर्जी एमिट भी होती है और एनर्जी जो है वो लोअर भी होती है। Okay, and that is the reason for the presence of negative sign in equation and depicts its stability relative to the reference state of 0 energy and n = infinity. इसी वजह से हम यहाँ पे negative sign जो है वो लगाते हैं। ठीक है, अब ये negative sign लगाने का मतलब क्या है, जो energy है इलेक्ट्रॉन की एक हाइड्रोजन एटम में उसमें negative sign होता है उसकी हर possible orbit में। तो नेगेटिव साइन क्या कन्वे कर रहा है, एक बार फिर से समझा देती हूँ. दिस नेगेटिव साइन मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. तो यह है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एक एटम में, वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है जो कि रेस्ट पे है. Now, a free electron at rest is an electron that is infinitely far away from the nucleus and is assigned the energy value of 0. तो free electron at rest पे हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से इनफाइनाइट तरीके से दूर है और उसकी एनर्जी वैल्यू जो है वो 0 है. तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वो वहाँ पे E इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि हम n को इन्फिनिटी ले लेंगे. Now, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा यानी कि n कम होता जाएगा तो ई एन की वैल्यू जो है वो लार्ज होती जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा. और मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू जो है वो एन इज इक्वल्स टू 1 की होती है जो कि मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होती है जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, इसलिए इसका नेगेटिव एनर्जी हम बोलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बोर्स थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द आयम्स कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम. तो बोर्स थ्योरी को हम ऐसे आयंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एटम्स पे नहीं आयंस पे, जिसपे 1 इलेक्ट्रॉन है. जैसे हाइड्रोजन एटम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कुछ आयंस भी होते हैं जिनमें हम अगर लूज कर दें या गेन कर लें तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे He+ है हमारा, या फिर lithium 2+ या फिर beryllium 3+, इस तरह से. नाउ द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद दीज काइंड्स ऑफ आयंस आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन En is equals to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 Z square by N square joule. तो इस तरह के आयंस की एनर्जी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी रेडियस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 52.9 N square by Z. यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर है और इसकी वैल्यू जो है वो हीलियम के लिए तो होगी 2 और लिथियम के लिए होगी 3, इस तरह से. तो इन इक्वेशन से हमें पता चलता है कि वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो रही है और रेडियस जो है वो छोटी होती जा रही है जैसे जैसे हमारा Z बढ़ता जाएगा. तो Z बढ़ेगा तो रेडियस जो है वो छोटी होती जाएगी और जो E की वैल्यू है वो और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो और भी ज़्यादा न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता जाएगा. ठीक है, देन लास्ट पॉइंट जो है वो है इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स. अब ये इन ऑर्बिट्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हालांकि प्रिसाइज इक्वेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, लेकिन क्वालिटेटिवली जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस पे बढ़ रहा है तो उसके साथ वो बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है यानी कि n बढ़ रहा है उसके साथ कम होती जाएगी. तो ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, आ गया समझ में. ये था हमारा बोर्स मॉडल. अब इसने किस तरह से हमारे लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का है उसको एक्सप्लेन किया है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ओके सो गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर के जो MCQs हैं वो सॉल्व करने हैं तो एक साइट है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर उसका लिंक दे दिया है, तो उसे जाकर आप चेक कर सकते हो. वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो. ओके सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो. इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. ओके सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.